बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल का नाम है बेसिक नॉलेज। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है प्लीज़। आज एक और वीडियो के साथ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो एफपीएससी, एनटीएस और दूसरे जो टेस्टिंग सर्विस में बार बार रिपीट हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिनोनिम ऑफ वेरासिटी। वेरासिटी कहते हैं सच्चाई को। तो हमने ऑप्शन में देखना है तो सच्चाई है वो थॉटफुलनेस है, ट्रुथ है, डाइवर्सिफिकेशन है, प्रिसिशन है। तो हमें यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है ट्रुथ है वो इसका सही जवाब है। सिनोनिम ऑफ अपब्रेड। अपब्रेड है मलामत करना, तो इसका सही जवाब है क्रिटिसाइज भी। उसके बाद हमारे पास है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट कहते हैं ज़िद्दी को। तो ज़िद्दी यहाँ पर ऑप्शन में हमें नज़र आ रहा है स्टबबोर्न है वो ज़िद्दी को कहते हैं। स्टबबोर्न हो गया इसका सही जवाब। इसके बाद सिनोनिम ऑफ फॉर्टिट्यूड। फॉर्टिट्यूड इस्तकामत को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो करेज है। इसके बाद दोस्तों इंजीनियस। इंजीनियस हैं होशियार को कहते हैं। तो होशियार का यहाँ पर करेक्ट जो सिनोनिम्स या जो हमें वर्ड नज़र आ रहा है वो क्लेवर है। तो क्लेवर इसका सही जवाब है। उसके बाद बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब है लड़ाकू। तो यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है हमें ऑप्शन में वार लाइक हैं वो राइट आंसर है। तो वार लाइक हो गया। इसके बाद सिनोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का जो मीनिंग है वो है मगरूर। तो एरोगेंट का जो करेक्ट आंसर है वो कंसाइटेड है। कंसाइटेड का भी मीनिंग है वो मगरूर है। उसके बाद एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब है खयानत करना, किसी चीज़ की अमानत या उनको खयानत करना या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिस अप्रोप्रिएट। उसके बाद है विटुपिरेट का मतलब है बदनाम करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो एब्यूज है। उसके बाद है इनक्रेडुलस, नाकाबिले यकीन। तो इसका जो राइट आंसर है अनरिलायबल है। सिनोनिम ऑफ एनिग्मा। एनिग्मा पहेली है तो क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि पजल है उसका राइट आंसर। उसके बाद है सर्कशियस, हेयर फेयर करने वाला या हेयर फेयर वाला। तो इसका जो आंसर है वो है साइक्लिक। सिनोनिम ऑफ एमेसिएटेड। एमेसिएटेड का मतलब है कमज़ोर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वेरी थिन। लेथर्जी का मतलब है काहिल, सुस्त। तो इसका जो राइट आंसर है वो लैक्सिटी है, लैक्सिटी। उसके बाद है सिनोनिम ऑफ एक्स्यूड। एक्स्यूड है खारिज करना, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। तो ऊज का मतलब है रसना या खारिज करना। तो ये राइट आंसर है हमारे पास। उसके बाद है ज़ीलट। ज़ीलट है कटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो फनेटिक है, फनेटिक मैंने भी कटर है। उसके बाद प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मीनिंग है गैर मुस्तहकम, जो स्ट्रांग ना हो। तो इसका राइट आंसर है पेरिलस। पेरिलस का मतलब भी गैर मुस्तहकम। उसके बाद प्रिवेरिकेट है। प्रिवेरिकेट का मतलब है इनहराफ करना, किसी चीज़ को ना मानना। तो इसका आंसर है लाई, झूठ बोलना, नहीं मानना। उसके बाद हमारे पास है जेस्ट। जेस्ट है ज़ौक व शौक। तो जेस्ट जेस्ट का जो राइट सिनोनिम है वो है एंथुसिएज्म। उसके बाद हमारे पास है यर्न। यर्न का मतलब है शिद्दत से चाहना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रिक्वायर्ड। इसके बाद है यल।
यल का मतलब है चेखना, तो इसका राइट आंसर है या इसका सिनोनिम है वो है शाउट, मतलब चेखना। सिनोनिम ऑफ योक, योक का मतलब है जोड़ना किसी चीज को। तो बाकी जो इनमें एंटीनम्स है, हार्नेस है, हार्नेस का मतलब भी है जोड़ना। वैग्रेंट कहते हैं खानाबदोश को, जो एक जगह न बैठता हो आगे मतलब चलता हो। तो इसका राइट आंसर है रोविंग, रोविंग है, कहते हैं आवारा खानाबदोश। इसके बाद है वेरी, वेरी कहते हैं होशियार को, चालाक को। इसका राइट आंसर है प्रूडेंट, यानी होशियार। वैन कहते हैं कम होना, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिक्लाइन। इसके बाद है कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब है तबाहकुन, बर्बादी। तो इसका राइट आंसर है डिस्ट्रक्शन। डिसडेन, डिसडेन का मतलब है तोहीन, किसी की इज्जत नहीं करना, किसी को बेइज्जत करना, या स्कॉर्न है इसका मतलब। और सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट कहते हैं जिद्दी को। जिद्दी का जो मीनिंग है, ये पिछले भी हमने एक एमसीक्यूज में किया था, स्टबबॉर्न है। और कंडोन का जो उर्दू मीनिंग है वो है माफ करना। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो एक्सेप्ट है। प्यूराइल कहते हैं नादान को, जो मतलब मैच्योर ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो इमैच्योर है। अबेट का मतलब है कम करना, यानी किसी चीज को तहरीफ करना, घटाना। तो इसका राइट आंसर है डिमिनिश, कम करना। सिनोनिम ऑफ कॉर्डियल, कॉर्डियल का जो उर्दू मीनिंग है वो खुश अखलाक है। तो इसका राइट जो आंसर है वो प्लीजेंट है।